नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं एडिबल ऑयल और इनकी जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसके बारे में। आइए सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, हाउ द यूक्रेन रशिया वॉर अफेक्टेड सनफ्लावर ऑयल कंजम्पशन इन इंडिया। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एडिबल ऑयल अगर हम देखें स्पेसिफिकली पिछले 3 सालों में, इसके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंडेक्स निकालता है, वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है ये वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेस को ट्रैक करता है। अब इस इंडेक्स की जो लाइक बेस वैल्यू है 100 के अराउंड है, और अगर देखेंगे मई 2020 का अगर हम डेटा देखें तो ये काफी नीचे चला गया था कोविड लॉकडाउन्स की वजह से, और अगर मार्च 2022 का हम डेटा देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे था ये इंडेक्स। मींस कि वेजिटेबल ऑयल के जो प्राइसेस थे बहुत ही ज्यादा, और इसका रीजन था यूक्रेन रशिया वॉर। अब वॉर बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि हाँ, वॉर के चलते ट्रेड पे फर्क पड़ता है, लेकिन यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से सनफ्लावर ऑयल का जो लिंक है वो ये है कि सनफ्लावर की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है ना, उसका 58% सिर्फ और सिर्फ इन दो कंट्रीज में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सनफ्लावर के जो मतलब ऑयल है उसका तो प्राइस शूट करना ही था, मेजॉरिटी प्रोडक्शन तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन में ही है ना, और यहां मेजॉरिटी प्रोडक्शन है और इन्हीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर ट्रेड पर तो असर पड़ता ही है, और ये जितना भी अपने यहां प्रोडक्शन कर ले बेसिकली तो इसका जो है एक्सपोर्ट ही होना था, और एक्सपोर्ट होता कैसे है, पोर्ट्स, और पोर्ट्स तो एज यू नो एक दूसरे के निशाने पर थे इन लोगों के, ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो। तो अब क्या होता है कि टर्की और यूनाइटेड नेशंस मिलके रशिया और यूक्रेन के बीच में एक अग्रीमेंट, एक डील जो कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव अग्रीमेंट, ये इनिशिएट करवाते हैं ब्रोकर्ड बाय टर्की एंड यूएन। और इसका जो बेसिक एम होता है वो एम है कि जो भी फूड ग्रेन्स रिलेटेड कार्गो है उसे पीसफुली निकलने दिया जाए और उस पर अटैक ना किया जाए। तो इस इनिशिएटिव की वजह से होता क्या है कि कुछ डेजिग्नेटेड यूक्रेनियन पोर्ट्स पर से स्पेसिफिकली जो फूड रिलेटेड कार्गोज है, फूड ग्रेन्स एज वेल एज ऑयल सीड्स वाले जो कार्गो है उन्हें जाने दिया जाए, और वो जाए और वो गए भी, ठीक है, वो गए भी। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो ऑयल प्राइजेज है ना, ऑयल प्राइजेज इस अग्रीमेंट के बाद और जब कार्गो की मूवमेंट शुरू हुई तो जो ऑयल प्राइसेस है ना वो प्री वॉर लेवल्स से भी नीचे चले गए, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक हो गया था तो प्री वॉर लेवल्स पर नहीं गए, उससे नीचे चले गए ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में इसके क्या इंपैक्ट्स हैं, ये जो सनफ्लावर का एकदम से इतना बड़ा सप्लाई आ गया तो इसके इंपैक्ट्स पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिडक्शन इन कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, मेजॉरिटी प्रोडक्शन कहा था रशिया और यूक्रेन में हमने देखा। अब क्योंकि ब्लैक सी अग्रीमेंट हुआ और यूक्रेनियन पोर्ट से जो भी ऑयल सीड्स और फूड ग्रेन्स के कार्गोज थे वो मूव कर गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में भी इंपोर्ट हो गए ना। अब एक खास बात अगर इंडियन इंपोर्ट की हम ये देखें तो जो पाम ऑयल है ना और जो सनफ्लावर ऑयल है, ये दोनों के लिए हम टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, लोकल प्रोडक्शन बहुत कम है। पाम ऑयल का तो फिर भी थोड़ा बहुत है, सनफ्लावर का तो काफी कम है, लाइक स्पेसिफिकली ऑयल की बात करें हम तो। अब इंडिया में मस्टर्ड ऑयल एज वेल एज सोयाबीन, ये जो दोनों का प्रोडक्शन है ये ठीक ठाक है। स्पेसिफिकली अगर मस्टर्ड की बात करें तो जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है वो डोमेस्टिक नीड्स के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों ऑयल्स के लिए तो हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और स्पेसिफिकली अगर पाम ऑयल की बात करें
पाम ऑयल के तो यूसेज भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। पाम ऑयल अगर आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द फूड्स पाम ऑयल की जो यूसेज है ना वो कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अदर प्रोडक्ट्स में भी काफी ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम फूड। तो इसलिए पाम ऑयल बहुत ज्यादा ही मतलब यूज किया जाता है इंडिया में। अब इसके अलावा सनफ्लावर भी होता है कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि थोड़ी सी प्राइस भी इसकी एज कम्पेयर्ड कम है, ठीक है। मस्टर्ड और सोयाबीन से अगर आप लाइक कंपेयर करें, स्पेसिफिकली मस्टर्ड से अगर कंपेयर करें तो प्राइस इसकी कम है। अब सनफ्लावर ऑयल जो है ये बेसिकली अपने प्री वॉर लेवल से भी कम प्राइस में आने लगा इसका इंपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई ना, और कॉस्ट के साथ साथ सप्लाई एकदम से बढ़ गया। पहले सप्लाई जो था वो कम हो गया था और ये जो अग्रीमेंट हुआ इसके बाद सप्लाई एकदम शूट कर गया तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया। अब अगर हम इसकी बात करेंगे कि कस्टमर्स पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो बेसिकली जो भी कंज्यूमर्स हैं, जब सडनली सनफ्लावर ऑयल का प्राइस बढ़ा था तो लोगों ने जो चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम लें सोयाबीन, तो सोयाबीन की तरफ मूव कर गए थे वो लोग क्योंकि बाकी ऑयल्स कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव थे, तो उन्होंने चीपर ऑल्टरनेटिव्स जो भी अवेलेबल थे उनकी तरफ अपना रास्ता बना लिया था। अब यहां कंज्यूमर्स की अगर बात की जाए तो हाउस होल्ड्स हैं एज वेल एज रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है कि जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ये लोग ऑटोमेटिकली सनफ्लावर ऑयल को दोबारा से यूज करना शुरू कर देंगे क्योंकि अवेलेबल है और सस्ता है। अब अगर इसकी इंपोर्ट प्राइस वगैरह और सारी चीजें मतलब प्रोसेसिंग वगैरह मिला ली जाए तो ऑन एन एवरेज 120 से 125 रुपीस पर केजी पड़ता है सनफ्लावर ऑयल। और बाकी अगर आप रेट्स देख ले तो बाकियों के रेट्स लाइक ग्रेटर देन 140 टू इवन 180 और 190, तो कंपेयर आप कर लीजिए क्योंकि चीपर है तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे इसी की तरफ, जो उनका पहला चॉइस होगा वो यही होगा। हालांकि जब ये अवेलेबल नहीं था, इसके कार्गोज नहीं आ रहे थे, इंपोर्ट प्रॉपरली नहीं आ पा रही थी रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, तब इसका प्राइस बहुत शूट कर गया था। सनफ्लावर ऑयल जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था उस समय पे क्योंकि सप्लाई नहीं था, और अब सप्लाई है एंड बिकॉज इट इज चीपर तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर्स की पहली चॉइस यही होगी। अब तीसरी बात अगर हम करें मार्केट एक्सपेंशन तो सीधा सीधा हिसाब यहां पर यह है कि जो मेजॉरिटी कंजम्पशन है सनफ्लावर ऑयल का वो साउथ इंडियन स्टेट्स में है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच तमिलनाडु केरला कर्नाटका ये सारे जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पे सनफ्लावर ऑयल का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हाई है। और एक चीज देखी गई है कि सनफ्लावर ऑयल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिक्लाइन करता जा रहा है पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि सनफ्लावर का जो इंपोर्ट की जो मार्केट है वो एक्सपैंड करेगी ही क्योंकि अब इंपोर्ट डिपेंडेंट ही हो जाएंगे अगर लोकल प्रोडक्शन बंद हो गया तो, जिस हिसाब से डिक्लाइन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी मार्केट अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। Then meeting the demand. अब जैसा कि हमने बात की थी इंडिया में जो मेजॉरिटी डिमांड है साउथ इंडियन स्टेट्स में वो डिमांड लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल प्रोडक्शन की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना डिमांड फुलफिल हो पाएगा क्योंकि लोकल प्रोडक्शन तो जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो डिक्लाइन करता जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इम्पैक्ट था ये सनफ्लावर ऑयल का जो एकदम से सप्लाई रुक गया था या कम हो गया था तो डिमांड यहां पूरी हो नहीं पा रही थी। अब क्योंकि इसकी सप्लाई प्रॉपर आ रही है और इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट भी कम हो गया है तो डिमांड बहुत आसानी से फुलफिल की जा सकती है। अब हम इंडियन सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। इंडिया में जो कंजम्पशन है कुकिंग ऑयल का वो समवट 24 मिलियन टन के अराउंड है। अब इसमें एक फैक्ट नोटिस करने वाला ये है कि 60% जो है इस डिमांड का या फिर इस कंजम्पशन का वो इंपोर्ट होता है। अब यहां मेजॉरिटी अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो चार ऑयल्स हैं
ऑयल पाम, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। और ये सनफ्लावर इज द फोर्थ लार्जेस्ट, और इसमें ऑयल पाम एंड सनफ्लावर ये हम ऑलमोस्ट इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इसके अलावा सोयाबीन काफी इंपोर्ट आता है, मस्टर्ड ऑलमोस्ट लोकल प्रोडक्शन सफाइस कर देती है, इतना हो जाता है। अब हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे बात कर लेते हैं। इंडिया में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, स्पेसिफिकली ऑयल पाम, ये स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक इनिशिएटिव है जो साथ में काम कर रहे हैं इसके लिए। और इस मिशन के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 6.5 लाख हेक्टेयर, ये इतना ऑयल पाम के प्रोडक्शन के अंडर लाने का प्लान है इस मिशन का। सेकेंडली अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक वेब बेस्ड पोर्टल बनाया है, eveg oils nic.in, और इसका बेसिक जो एम है दैट इज अबाउट द डेटा मैनेजमेंट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसर्स। हालांकि इस जो पोर्टल है इसको किसी भी तरह के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या कोई परमिशन चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बात की जो एडिबल ऑयल की प्राइजेस की वोलाटिलिटी के बारे में, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सनफ्लावर की जो प्राइजेस है उसके बारे में, उसके इंपोर्ट के बारे में, और इंडिया में जो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है उसके बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।